जी नासिर, आपको बताया वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात अता तारर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आपका कोई दीन ईमान भी है कि नहीं है? अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। और कल बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को सीखें हसीना वाजिद से। भाई साहब, आपकी जमात ने इस मुल्क में बयानिया बनाया शेख मुजीब का, पूरे पूरे ट्विटर की वीडियोस। मुझे बता दें, शेख मुजीब को हीरो डिक्लेयर करने की वीडियो क्या तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं लगी? क्या इमरान खान का मुवाजना शेख मुजीब से नहीं किया गया? हाँ, एक तहरीके इंसाफ की हुकूमत में और हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। उधर भी वो बैरूनी मदद मांग रहे थे, ये भी बैरूनी मदद मांगते रहे हैं। उन्होंने भी अपने मुल्क में एक ऐसी करप्शन की जो 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना से बिल्कुल उसकी बड़ी ममासलत है। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। अब खड़े हो ना, कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोज़ के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। आज आप कह रहे हैं जी अवाम ने कमाल कर दिया। तो ये वो रजीम थी जिसने वहां पे तकसीम पैदा की थी, और आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। आप भी समझते हैं कि तकसीम से फायदा होता है सियासी तौर पे। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर पीएचडी की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज कहें कि जी कॉलो फेल का तजाद, ये मास्टर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, मास्टर ऑफ डिसेप्शन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अमल कुछ है, कान में कहेगा इस्लामी कार्ड प्ले करते हैं आज, इस्लामी कार्ड, मैं अमर बिल मारूफ हूं, आप नहीं अनिल मुनकर हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि जब ये बातें करते हैं और मजहब से अपने आप को लिंक करते हैं, कोई कह रहा है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दौरे हाजिर का पैगंबर साथ खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कंडमनेशन नहीं है इस बात की। और एक बच्चा आया है, वो वीडियो आज भी मौजूद है, जो कह रहा है कि जी सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के कौन थे और सेकंड लकी पेरेंट्स कौन है। वो क्लिप आपको मैं भिजवा दूंगा, आप सुन लीजिएगा। यानी शर्म आ जाती है यार, आप अपने करतूत, आप सियासत करें, आप इस्लाम को तो मत इस्तेमाल करें अपनी सियासत के लिए। हर चीज के ऊपर यू टर्न है। और बैरिस्टर गौर साहब खड़े होकर हसीना वाजिद की बात करते हैं, भाई आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे, सिर्फ एक स्टैचू गिरने से ही होता है, थोड़ी सी ख्याल कर लेते हैं। आपने इतनी पैसे लगा के, मुल्क दुश्मन कुवतों से पैसे लेके एक बयानिया बनाया था। हाँ, आपके और उनके दरमियान बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, तो आज क्या वजह है कि आप उस बयानिए से इनहराफ करना चाहते हैं? उस बयानिए से आप मुनहरिफ हैं कि शेख मुजीब आज आपका हीरो नहीं है? थोड़े से हालात खराब हुए हैं। और देखिए, वही दुनिया के बड़े इदारे, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है करप्शन के मामलात जो हैं, क्या आपके करप्शन के मामलात उससे मुख्तलिफ थे? आपके भी वही करप्शन के मामलात थे, आप भी बिरूनी मदद चाहते थे, आप भी चाहते थे कि मुआशरे को मजीद तकसीम किया जाए, तो आप में और उधर कोई खास फर्क तो नहीं है? तो आ जाए ना शेख मुजीब के हक में बयान दें और कहें कि मैं शेख मुजीब हूं, और वीडियोज बनाएं, ट्विटर पर पोस्ट करें और उसको हीरो बना के पेश करें। आज आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करेगा तो आप अमरीका को ललकारेंगे और फिर कहेंगे कि फौज मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप फौज को ललकारेंगे, कहेंगे अमरीका मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप 9 मई के हमले करा देंगे, आपकी तीनों बहनें मौजूद होंगी, आपका भांजा मौजूद होगा, आपके पार्टी के लीडर्स कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आग लगाने आए हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। और आपको सूट नहीं करेगा तो आप कहेंगे मैं नहीं था, मैं नहीं था, मेरे लोग नहीं थे, ये खुद ही गए थे, इन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई, इनको रोका क्यों नहीं गया? अंदाजा करें, आग लगाने वाले पूछ रहे हैं मैं रोका क्यों नहीं गया। लाशों की तलाश रहती है अक्सर, तो आप अपने केसेस का जवाब दें, आप अपने केसेस की बात करें। और बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि वो अपने लीडर को जाकर जेल में जब मुलाकात करते हैं तो उनको बताएं कि वो शेख मुजीब जो आप जिसको हीरो बना रहे थे वहां। जी नासिर, आपको बताएं वफाकी वजीर इत्तला'आत व नशरियात अता तारर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब चलते हैं मामूल की नशरियात की तरफ।